बिलासपुर में बन रही एक बड़ी सिंचाई परियोजना अरपा भैंसा झार को लेकर कांग्रेसी किसान नेता संतोष कौशिक ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता की है। कौशिक का आरोप है कि 102 गांवों के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के नाम पर करीब 200 करोड़ की योजना से बन रही यह योजना 6 साल बाद भी पूरी नहीं होने से किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, बावजूद इसके कोई नेता व अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिलासपुर में बड़ी सिंचाई योजना अरपा भैंसा झार के चलते किसानों को हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेसी किसान नेता संतोष कौशिक ने बिलासपुर में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। कौशिक का आरोप है कि 102 गांवों के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के नाम पर करीब 1200 करोड़ रुपए की योजना 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, जिसके चलते किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। कौशिक का आरोप है कि जमीन अधिग्रहित करने के बाद भी बिलहा कोटा और तखतपुर के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कौशिक ने इस परियोजना पर जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्य अभियंता नायडू और ठेकेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। किसान नेता कौशिक का कहना है कि यदि अक्टूबर तक किसानों को पानी नहीं मिलता तो सभी किसानों के साथ मिलकर वे उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही कौशिक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि समस्या हल नहीं होने पर सभी किसानों की अधिग्रहण जमीन वापस किया जाए। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।